Hello children, today I am going to explain you about chapter 2 and chapter 3. बच्चों आज हम revision करने वाले हैं chapter 2 और chapter 3 के. So let us start. तो chapter 2, you can see यहाँ पे कुछ hard words दिए हुए हैं. Let us discuss about it. Herbivorous. What are herbivorous? प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, यानी ऐसे जानवर जो पौधों को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस जानवर कहते हैं. कार्निवोरस. कार्निवोरस आर अ काइंड ऑफ फ्लैश ईटर्स, ऐसे जानवर जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं. नेक्स्ट ओमनीवोरस. ओमनीवोरस में ऐसे जानवर आते हैं दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश, यानी ये जानवर जो होते हैं प्लांट भी खाते हैं एज वेल एज इसके साथ फ्लैश भी खाते हैं, लाइक क्रो, कैट, है ना. माइग्रेशन. व्हाट इज माइग्रेशन? सॉरी नॉट माइग्रेशन, माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? माइग्रेशन का मतलब होता है कि ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो जानवरों का जो मूवमेंट होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में होता है. टू अवॉइड द कंडीशन ऑफ टू अवॉइड वेदर कंडीशंस और इन सर्च ऑफ फूड और फॉर सेफ ब्रीड, है ना. इन सब कंडीशंस के आधार पे जानवर जो है अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराते हैं और दोबारा से उसी अपने प्लेस पे आ जाते हैं, और इस प्रकार के प्रोसेस को, इस प्रकार के टाइम पीरियड को हम कहते हैं माइग्रेशन. ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं दैट लेट अस रिमेंबर. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, द सराउंडिंग्स इन विच एनिमल ग्रो एंड लिव इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि जिस सराउंडिंग में एनिमल्स रहते हैं उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट या हैबिटेट भी कहा जाता है. नेक्स्ट, डिफरेंट एनिमल्स डिफर इन साइज, शेप एंड अदर फीचर्स ऑल्सो. एनिमल्स जो होते हैं वो साइज में डिफरेंस हो सकते हैं, शेप में भी डिफरेंट होते हैं. इवन देन दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही वो अपने आप को एक अलग अडाप्टेशन दे पाते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव ईटिंग हैबिट्स एंड दे हैव माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट एंड दे हैव डिफरेंट माउथ पार्ट्स ईट टीथ एंड बीक, यानी कि उनके भोजन खाने के आधार पर ही उनके जो माउथ के जो पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं. उनको उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स होते हैं, यानी कि उनके भोजन खाने के आधार पर ही उनके जो मुंह होते हैं, माउथ के पार्ट्स जो होते हैं वो उसी प्रकार से मॉडिफाइड होते हैं. यानी कि उनका माउथ देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये एनिमल्स आइदर इट इज़ अ हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड whatever it is. Next, animal move to get food and water to protect themselves from enemies and build their homes for resting and breeding. यानी animals जो होते हैं ये सारे conditions के कारण ही वो एक, ये सारे reasons के कारण ही वो एक से दूसरे जगह travel करते हैं, या तो वो अपने दुश्मन से बचने के लिए या फिर अपने लिए safe घर बनाने के लिए और breeding करने के लिए और rest करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं. नेक्स्ट, एनिमल हैव डिफरेंट लिम्स फॉर मूवमेंट. एनिमल्स के अंदर डिफरेंट लिम्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो बच्चों जान लो कि एनिमल्स के अंदर 4 लिम्स होते हैं, 2 फोर लिम्स एंड 2 हिंड लिम्स. यानी आगे के पैरों को फोर लिम्ब कहा जाता है और पीछे के पैरों को हिंड लिम्स कहा जाता है. द लिम्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वे ऑफ मूवमेंट, लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, रनिंग एंड क्रॉलिंग. यानी कि उनके मूवमेंट के आधार पर ही उनके लेग्स जो होते हैं वो भी मॉडिफाइड होते हैं, और उसी के कारण वो चल सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और क्रॉल भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स. यानी कि अलग अलग जानवरों के अलग अलग ब्रीथिंग ऑर्गन्स भी होते हैं. लाइक एनिमल्स में कुछ लंग्स होते हैं, कुछ जानवर के पास गिल्स होता है और कुछ फायर सेल्स होते हैं. यानी कि उनके जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं.
एनिमल्स माइग्रेट टू द अदर प्लेस द मूवमेंट बाय सर्टेन एनिमल एट अ सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर टू डिस्टेंस प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. यानी कि किसी जानवर के एक पर्टिकुलर समय पे कुछ दिनों के लिए वो क्या करते, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, इस क्रिया को माइग्रेशन कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, लेट अस सी सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फ्रॉग एंड डक स्विम विद द हेल्प ऑफ वेब्ड टोस. नेक्स्ट, स्नेक कैन मूव, स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स. यानी कि स्नेक जो होता है वो प्लेट्स, उसके बॉडी के नीचे वाले पार्ट में प्लेट्स बने होते हैं जिसके कारण वो आसानी से मिट्टी पे, ज़मीन पे सरक कर चलता है. द कार्निवोरस एनिमल इज. बच्चों ये सारा, इसके साथ मैंने सारी चीज़ें अटैच की हुई हैं, इसे आप देख लोगे. नेक्स्ट, यहाँ पे भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, इंसेक्टिवोरस एंड कार्निवोरस. ऑब्वियसली आंसर इज कार्निवोरस. द येल्लो फ्लैशी पार्ट इनसाइड द सीड इज कॉल्ड वॉट. इट इज कॉल्ड येलो फ्लैशी पार्ट इनसाइड द सीड इज कॉल्ड कोटिलिडन्स. When we breathe out, lime water turns milky due to the presence of. बच्चों आप इसे देख लोगे, अभी मैंने आंसर टिक नहीं करा है. A fish breathes through its gills. Fish gills के द्वारा सांस लेता है. Which of the following reptile does not have limbs? इसमें से कौन से reptile जिसके पास limbs नहीं होते हैं. नेक्स्ट इट इज स्नेक. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन. सम फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो हियर. दिस इज फ्रॉम चैप्टर 3. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. द मसल्स हेल्प्स द बोन्स टू मूव एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड द मसल्स अटैच टू द बोन स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स. ओके, यहाँ पे कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन भी, ट्रू और फॉल्स भी है. आपको यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ऑर्गन्स के बारे में. आपको ऑर्गन्स के बारे में लिखना है कि ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है. स्कल प्रोटेक्ट करता है बच्चों ब्रेन को. किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को. हिप बोन, किडनी, यूरेथ्री ब्लैडर को. रिब केज, लंग्स, हर्ट और लिवर. बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड को. और आर्चेज बोन, फेस को. ओके बच्चों, नेक्स्ट वी मूव ऑन सम मोर. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एन इमूवेबल जॉइंट. यानी जो इमूवेबल है, बिल्कुल मूव नहीं कर सकता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट अलाउज द मैक्सिमम मूवमेंट. यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कारण हम अपने शरीर को, हमारे बॉडी पार्ट्स को पूरी तरह घुमा सकते हैं. वी कैन टर्न इन ऑल डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी अटैच किए हुए हैं फ्रॉम चैप्टर 2 एंड 3. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लिम्स डू मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव. यानी कि अधिकतर जानवरों में कितने लिम्स पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली 4 लिम्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. What helps turtle swim? Turtle को swim करने में क्या मदद करता है, flipper, paddle like limbs. Next, how do snake move? What is migration? Name the different kind of movable joints. तो movable joints के different kind आप लिख सकते हो, ball and socket joint, hinge joint, pivot joint. Next, question number 6. What kind of joint help the leg to move in all direction? यानी leg को पूरे direction में move करने के लिए कौन सा joint help करता है? तो बच्चों इसका answer हो सकता है ball and socket joint. The muscles of the heart are called. Heart के muscles को हम क्या, कौन से muscles कह के बुलाते हैं? Cardiac muscles. The backbone protects the skull protects dash from injury. And then last and question number 10. Human skeleton is made up of dash bones. यानी कितने bones से मिलकर बना हुआ है. तो बच्चों ये videos देखोगे और इसके answers आप
उसमें फिल करने की कोशिश करो। एक चीज़ मिस्टेक हो गई बच्चों, चैप्टर 3 का जो वीडियो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो छूट गया है। सो चिल्ड्रन लुक इट इन योर बुक एंड देन फिल इट। ओके बच्चों, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू।